आफ्टरनून दोस्तों, तो आज शाम हो चुका है। मैं बनाने जा रही हूँ बेसन आलू का सब्जी। इसमें रेडी हो चुका है, आटा गूंदी हूँ और इसमें है बेसन, मिर्च और प्याज। आज छोटा छोटा कचौरी बनाकर आप सभी का दिखाऊंगी। ओके, आप सबको खाना है तो आ जाइएगा खाने के लिए। लाओ इधर। तो देखिए दोस्तों, इसमें मैं अब डालूंगी तेल को, थोड़ा गर्म कर ले। खाते हैं आप सभी को, ठीक है। इसमें और इधर रोटी बनेगा। इसमें दिखाओ, और इसको खाकर भी चख कर दिखाऊंगी आप सभी को कैसा इसका स्वाद लग रहा है। और फिर से बता रही हूँ, आप सबको खाना है तो आ जाना। और ये मेरे, और ये ब्लॉग जो है ना, ये फर्स्ट मेरा ब्लॉग है, क्योंकि अपने से कभी भी शुरुआत नहीं, कभी भी अपने से शुरुआत ही नहीं की हूँ ब्लॉग बनाना। इसलिए हमको थोड़ा आदत सा नहीं है बोलने का। तो दोस्तों, सब्जी कचौड़ी का बनकर तैयार हो गया है, ये देखिए। और ये रहा खाली कचौड़ी। तो दोस्तों, मैं नहीं, मेरे देवर जी प्यारे से वो चक्कर बताएंगे कि ये कचौड़ी कैसा बना था, और बॉम्बे से आकर बिहार में कैसा लग रहा है, ठंड लग रहा है या गर्मी लग रहा है, इन्हीं से पूछते हैं। तो जल्दी से थोड़ा बता दीजिए कैसा फील आ रहा है। अरे बाप रे, बोलिए कुछ। ठंडी तो बहुत ज्यादा लगता है। अरे बॉम्बे में थे तो चलो इतना अच्छा पंखा चला के सोते थे, यहाँ पे तो कपड़ा नहीं निकाला जा रहा है, मोजा जूता। अभी तक आए हैं तब से नहाए हैं कि नहीं? अभी तक नहाया नहीं दोस्तों, अभी तक नहीं नहाया, सॉरी ये बताने के लिए। बाकी नहाना चाहिए, बाकी ठंडी इतनी है कि थोड़ा पानी छूने के मन नहीं कर रहा, लेटिंग जा रहा हूँ तो पानी छूने का दिल नहीं कर रहा। तो टिश्यू पेपर यूज कीजिएगा का? टिश्यू पेपर यूज करना पड़ता। अच्छा, तो ये चक्कर बताइए जरा कैसा बनाए। इसका सब्जी भी बोलिएगा तो दे देंगे इसमें, क्योंकि मसाला नहीं डलाया है, ठीक है। इसमें प्याज और सिर्फ मिर्च है, नमक वगैरह। मस्त है, वेरी गुड। आप भी लोग खाइए दोस्तों, और मेरी भाभी को टेस्ट बताइए, हम बता दिए अच्छा है। तो दोस्तों, आज मैं यहीं पे ब्लॉग एंड करती हूँ, क्योंकि फर्स्ट बार ब्लॉग स्टार्ट की हूँ, तो बोलने का कोई मतलब अच्छा से बोल नहीं पा रही हूँ। सीखते सीखते सीख जाऊंगी, अगर आप सबका प्यार रहे तो।